राधे राधे आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम कन्फेशन से रिलेटेड डाटा डिस्कस करेंगे। ओके, किससे रिलेटेड? कन्फेशन से रिलेटेड। देखो, जैसा कि आप सब जानते हो, ऑलरेडी हम कन्फेशन को बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चों का यह कहना था कि सर, जो कन्फेशन से रिलेटेड कंटेंट है वो प्रीवियस वीडियो में मिसिंग है। तो मेरे को लगा ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम कन्फेशन से रिलेटेड कुछ कंटेंट डिस्कस करें तो हम इसको कर लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसी के साथ कन्फेशन से रिलेटेड कुछ बच्चों के जो डाउट्स थे हम वो भी इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले हमें देखते हैं कि कन्फेशन की डेफिनेशन क्या है। ओके, अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत इजीली डिस्कस किया था कि कन्फेशन मीन्स टू एडमिट द गिल्ट, किसी क्राइम के गिल्ट को एडमिट करना, राइट? सिंपली अगर आप चाहो तो कन्फेशन को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए वो जो डेफिनेशन है वो अप टू द मार्क नहीं है, राइट? तो चलिए एक बार हम इस कन्फेशन की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। द इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट डिफाइन कन्फेशन। जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो कन्फेशन को कहीं भी डिफाइन नहीं करता, राइट? आप चाहो तो पूरा का पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट खोल के देख लीजिए, आपको कहीं भी कन्फेशन की डेफिनेशन नहीं मिलेगी। बेशक ऑल दो सेक्शन 17 में एडमिशन की डेफिनेशन दे रखी है, लेकिन कन्फेशन के रिगार्डिंग कहीं भी कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया हुआ। फॉर अ लॉन्ग टाइम द कोर्ट्स इन इंडिया अडॉप्टेड द डेफिनेशन ऑफ कन्फेशन गिवन इन स्टीफंस डाइजेस्ट ऑफ द लॉ ऑफ एविडेंस। तो क्या कहा जी, इंडियन कोर्ट्स ने एक अरसे से कन्फेशन की वो डेफिनेशन अडॉप्ट की हुई है जो स्टीफनसन ने अपने लॉ ऑफ एविडेंस की डाइजेस्ट में प्रोवाइड की थी। स्टीफन साहब कौन है? कौन है भैया स्टीफन साहब? जिन्होंने पूरा का पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट फ्रेम किया है, राइट? आप सोचिए स्टीफन साहब का क्या इंटेलेक्चुअल लेवल रहा होगा कि इन्होंने 1872 में इस तरीके से एविडेंस को फ्रेम किया कि आज तक यानी 21st सेंचुरी में भी, 2021 में भी वो जो एविडेंस एक्ट है वो बखूबी काम आ रहा है, राइट? तो स्टीफन साहब की इंटेलिजेंसी का लोहा मानना पड़ेगा बॉस। अब चलिए देखते हैं स्टीफन साहब ने कन्फेशन को किस तरीके से डिफाइन किया था। अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन, अ कन्फेशन इज एन एडमिशन मेड एट एनी टाइम बाय अ पर्सन चार्ज विद क्राइम स्टेटिंग और सजेस्टिंग द इन्फ्रेंस That he has committed that crime. तो क्या कहा जी, स्टीफन साहब के अकॉर्डिंग कन्फेशन क्या है? कन्फेशन एक एडमिशन है। कन्फेशन क्या है? कन्फेशन इज एन एडमिशन। कन्फेशन एक एडमिशन है जो उस पर्सन के द्वारा किया गया है जिसे किसी क्राइम के सिलसिले में चार्ज किया गया है। मेड बाय अ पर्सन चार्ज विद क्राइम। और जो क्या इन्फ्रेंस सजेस्ट कर रहा है? Stating or suggesting the inference that he has committed that crime, कि उसी ने वो क्राइम कमिट किया है। ओके, तो कन्फेशन इज एन एडमिशन मेड एट एनी टाइम बाय पर्सन चार्ज विद क्राइम। और वो जो एडमिशन है वो क्या स्टेट कर रहा है या वो क्या सजेस्ट कर रहा है? द इन्फ्रेंस दैट ही हैज कमिटेड दैट क्राइम। ओके, फिर उसके बाद स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस दीयमान उपाध्याय के केस में जस्टिस शाह ने स्टीफन के द्वारा दी गई कन्फेशन की डेफिनेशन को रेफर किया। जस्टिस शाह रेफर्ड टू कन्फेशन एज अ स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन स्टेटिंग और सजेस्टिंग द इन्फ्रेंस दैट ही हैज कमिटेड अ क्राइम। ओके, तो इन सिंपलेस्ट फॉर्म वी कैन से दैट कन्फेशन इज अ स्टेटमेंट मेड बाय एन एक्यूज पर्सन एडमिटिंग हिज गिल्ट। कन्फेशन क्या है? एक स्टेटमेंट जो किसके द्वारा की गई है? एक्यूज पर्सन के द्वारा, और जिसमें वो क्या कर रहा है? अपने गिल्ट को एडमिट कर रहा है। और अगर इसको भी और सिंप्लीफाइड वे में आप करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो कि कन्फेशन मीन्स एक्सेप्टिंग The liability of an offense. Offense की liability को admit करना, अपराध का कबूलनामा। Okay? Clear?
और देखो अगर आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक को रेफर करोगे, चाहे वो बटुकलाल है या मुनी जस्टिस है या गेज है ना, तो आपको ये डेफिनेशन वहां मिल जाएगी। ऑलराइट। अच्छा वैसे कन्फेशन किन केसेस में होता है, सिविल केसेस में या क्रिमिनल केसेस में? बताइए, सिविल केसेस में है। यस, वेरी गुड। क्रिमिनल केसेस में कन्फेशन हमेशा क्रिमिनल केसेस में होता है, ठीक है। और सिविल केसेस में क्या होता है? सिविल केसेस में एडमिशन होता है, राइट। तो आप कुछ हद तक ये कह सकते हो कि क्रिमिनल केसेस में जो कन्फेशन है वही सिविल केसेस में एडमिशन है, ठीक है, बात समझ रहे हो। क्रिमिनल केसेस में जो कन्फेशन है ना वही सिविल केसेस में एडमिशन है। भाई जैसे सपोज करो सिविल केस चल रहा है, ठीक है, मान के चलिए ए ने एडमिट किया कि भाई मेरे को बी के 10 लाख रुपए देने हैं, तो ये क्या है? ये एडमिशन है ना। अगर हम बात करें क्रिमिनल केस की, तो सपोज करिए ए ने कन्फेस किया कि मैंने ही बी को जहर देके मारा है, तो ये क्या है? ये कन्फेशन है ना। तो आप कुछ हद तक देखोगे ना, तो सिविल केसेस में जो एडमिशन है वही क्रिमिनल केसेस में कन्फेशन है, समझ रहे हो? नहीं समझ रहे तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, अननेसेसरी अपने माइंड को खपाने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट। अच्छा एक बात बताइए, व्हाई कन्फेशन इज रिलायबल, कन्फेशन पर रिलाय क्यों किया जाता है? कोई बताएगा? एनीवन? क्योंकि देखो इसके पीछे दो मेजर रीजंस है। नंबर वन इज दैट नो पर्सन विल मेक अनट्रू स्टेटमेंट्स अगेंस्ट हिज ओन इंटरेस्ट। कोई भी पर्सन अपने अगेंस्ट में फॉल्स स्टेटमेंट नहीं देगा, राइट। एंड सेकंड इज इन एनसीटी दिल्ली वर्सेस नवजोत सिंह संधू 2005 कन्फेशन आर कंसीडर्ड हाईली रिलायबल बिकॉज नो रैशनल पर्सन वुड मेक एडमिशन अगेंस्ट हिमसेल्फ अनलेस प्रॉम्प्टेड बाय हिज कंसाइंस टू स्पीक ट्रुथ। यानी एनसीटी दिल्ली वर्सेस नवजोत सिंह संधू के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि कन्फेशन को हम हाईली रिलायबल इसलिए मानते हैं क्योंकि कोई भी प्रूडेंट पर्सन, कोई भी रैशनल पर्सन अपने अगेंस्ट में एडमिशन नहीं करेगा जब तक कि उसकी खुद की आत्मा, जब तक कि उसकी जो खुद की कंसाइंस है, जो अंतरात्मा है, वो उसे सच बोलने के लिए विवश ना कर दे, वो उसे सच बोलने के लिए मजबूर ना कर दे, ठीक है। देखो होता क्या है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। देखो हम और आप कोई क्रिमिनल्स तो है नहीं, राइट। तो इन केस अगर हमने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया, मान के चलिए अगर हमने किसी का मर्डर कमिट कर दिया या जाने अनजाने में हमसे मर्डर हो गया, तो वो जो बात है ना वो आपको मेंटली डिस्टर्ब करके रखेगी। अब देखना इस चीज को, मतलब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप इस चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए किसी का मर्डर कर दें, नहीं। मैं आपको एक जनरल तौर पे बता रहा हूं कि जनरली अगर ह्यूमन बींग्स एक्सक्लूडिंग क्रिमिनल्स और एक्सक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर्स, वो अगर किसी का मर्डर कर देते हैं तो वो जो बात है ना उनको डिस्टर्ब करके रखती है। जब तक वो किसी थर्ड पर्सन के आगे इसका कबूलनामा, इसका इकरारनामा नहीं कर देते, तब तक वो मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। उनकी जो अंतरात्मा है ना उन्हें परेशान करके रखती है। ये सच्चाई है बिल्कुल दोस्त, आप मानो या ना मानो ये सच्चाई है, ठीक है। और आपने कई दफा मूवीज में, क्राइम पेट्रोल में या वेब सीरीज में भी इसको अक्सर देखा होगा, ठीक है। जो एक्यूज है वो खुद ऑफेंस कमिट करता है, उसके बाद खुद पुलिस स्टेशन जाता है और सब कुछ सच सच बता देता है, राइट। अग्नु नगेशिया का केस ही ले लीजिए आप। अग्नु नगेशिया क्या करता है? अपने फैमिली मेंबर्स का मर्डर करने के बाद पुलिस ऑफिसर के पास जाके सब कुछ बता देता है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जो कहीं ना कहीं ये इशारा करते हैं कि जो कन्फेशन है हम उन पे हाईली लेवल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी प्रूडेंट पर्सन, कोई भी समझदार व्यक्ति अपने अगेंस्ट में कन्फेशन या अपने अगेंस्ट में एडमिशन नहीं देगा। एडमिशन बेसिकली यहाँ कन्फेशन ही है, जब तक कि उसकी खुद की जो अंतरात्मा है वो उसे सच बोलने पर मजबूर ना कर दे, ठीक है, ठीक है। अच्छा कन्फेशन किस तरीके से होना चाहिए? कन्फेशन मस्ट बी, बताइए, इट मस्ट बी नंबर वन वॉलेंटरली, कन्फेशन वॉलेंटरली होना चाहिए। सेकंड, इट मस्ट बी ट्रुथ, सच्चा होना चाहिए। एंड थर्ड, इट मस्ट बी
ट्रस्टवर्दी, वो भरोसे के लायक यानी क्रेडिबल होना चाहिए। ओके, तो दैट मीन्स कन्फेशन मस्ट नॉट बी मेड अंडर एनी काइंड ऑफ इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, और कन्फेशन मस्ट नॉट बी फॉल्स। ओके, और अगर आप चाहो तो इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, बट ये जो पॉइंट है इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस। ओके, तो अगर आप चाहो तो ये पॉइंट लिख सकते हो दैट इट मस्ट बी और कन्फेशन मस्ट बी कोरोबरेटेड बाय सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। ओके, बहुत अच्छे से देख लेना इस चीज को, क्योंकि जब हम आगे मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब ये जो पॉइंट है दैट कन्फेशन मस्ट बी वॉलेंटरली, ट्रुथ, ट्रस्टवर्दी एक्सेट्रा, ये जो पॉइंट है ये मेजर रोल प्ले करेगा। ओके, और याद रखना ये जो सारी कंडीशन है ना, इनके साथ बीच में और नहीं लग रहा, ठीक है, बल्कि एंड लग रहा है। ऐसा नहीं हो कि कन्फेशन वॉलेंटरली तो है लेकिन ट्रुथफुल नहीं है, या ऐसा नहीं हो कि कन्फेशन ट्रुथफुल तो है लेकिन वॉलेंटरी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। दीज ऑल कंडीशन मस्ट को एग्जिस्ट टूगेदर। ओके, समझ में आया? ये सारी की सारी जो कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए, ओनली देन वी कैन कन्विक्ट द एक्यूज ऑन द बेसिस ऑफ हिज कन्फेशन। ठीक है, अच्छा वैसे इसके पीछे का लॉजिक बताइए आप मेरे को, कमेंट करके लॉजिक बताइए कि क्यों जो कन्फेशन है वो वॉलेंटरली, ट्रुथ और ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, बताइए। चलिए कमेंट करके, सेक्शन 24, सेक्शन 25, सेक्शन 26, इन सब में हमने ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। चलिए आंसर करके बताइए फटाफट। अच्छा, मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर क्रिमिनल केसेस में हम एडमिशन और कन्फेशन को कैसे डिफ्रेंशिएट करें, क्रिमिनल केसेस में एडमिशन और कन्फेशन को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें। तो देखो, अगर मैं आपको बताऊं तो बटुक लाल की बुक में बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, राइट? आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक को रेफर कर लीजिए, बहुत अच्छे से इसको डिफरेंशिएट किया हुआ है। अब या तो हो सकता है कि उनकी समझ में नहीं आया है, या फिर हो सकता है कि उन्होंने उस स्टैंडर्ड बुक को रेफर नहीं किया है, ठीक है, दोनों में से कोई एक कारण हो सकता है। तो चलिए हम मान के चलते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत मेहनती है और ये जो पॉइंट है उनके समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको जी। इसको लेके हम चार पांच एग्जाम्पल देखेंगे, और मैं आपको बता दूं कि ये सारे एग्जाम्पल मैंने बटुकलाल की बुक से ही लिए हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो इन एग्जाम्पल को सुनने के बाद बटुकलाल की बुक को रेफर कर लेना, आपको ये सारे पॉइंट्स एज इट इज वहां मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे सपोज करके चलिए, आई एम चार्ज्ड फॉर द मर्डर ऑफ डिसीज बाय गिविंग पॉइजन टू हिम। मेरे ऊपर ये चार्ज लगाया गया है कि मैंने जहर देकर डिसीज की डेथ कॉज करी है, राइट? तो हमें क्या समझना है कि एडमिशन और कन्फेशन को कैसे डिफरेंशिएट करें, राइट? यही हमारा मुद्दा। तो आप देखिए, परचेजिंग पॉइजन इज एन एडमिशन, वेयर एज गिविंग पॉइजन इज ए कन्फेशन। समझ में आया? मैंने ये एडमिट किया कि जिस पॉइजन से डिसीज की डेथ हुई है वो पॉइजन 2 दिन पहले ही मैंने मार्केट से खरीदा था, ठीक है, जिस पॉइजन से डिसीज की डेथ कॉज हुई है वो पॉइजन कुछ दिन पहले ही मैंने मार्केट से खरीदा था। तो ये क्या है? ये एडमिशन है। तो ये एडमिशन क्यों है? क्योंकि मैं यहां क्या कर रहा हूं, इस फैक्ट को एडमिट कर रहा हूं कि जिस जहर से डिसीज की डेथ कॉज हुई है वो जहर कुछ दिन पहले ही मैंने मार्केट से खरीदा था। मैं यहां क्या कर रहा हूं, उस फैक्ट को एडमिट कर रहा हूं। जबकि अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने ही डिसीज को जहर देके मारा है, तो ये क्या है? ये अपने आप में कन्फेशन है। क्यों? क्योंकि मैं यहां क्या कर रहा हूं, मैं अपने गिल्ट को एडमिट कर रहा हूं, मैं एडमिट कर रहा हूं कि मैंने ही डिसीज को जहर देकर उसकी डेथ कॉज करी है। ओके, समझ में आया?
नहीं आया, कोई बात, बहुत सारे एग्जाम्पल हमें डिस्कस करने वाले हैं, एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो ही जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, आर वॉज चार्ज फॉर द मर्डर ऑफ हिज चिल्ड्रन एंड वाइफ। आर को अपने बीवी बच्चों के मर्डर के लिए चार्ज किया गया जी। अब उसने कागज पर यह लिखा कि मेरी पत्नी और मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत ध्यान से सुनना, आर ने क्या किया, आर ने एक कागज पर लिखा कि मेरी पत्नी और मेरा जो बेटा है वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये क्या है जी, ये एडमिशन है। क्या है ये, एडमिशन। क्यों, क्योंकि वो यहां क्या कर रहा है, इस बात को एडमिट कर रहा है कि मेरी पत्नी और मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहे। और वहीं दूसरी तरफ अगर आर इस लेटर में ये लिखता कि उसने ही अपने बीवी बच्चों को मौत के घाट उतारा है या उसी ने अपने बीवी बच्चों का मर्डर किया है, तो ये क्या हो जाता, ये कन्फेशन हो जाता। क्यों, क्योंकि आर इस केस में क्या कर रहा है, अपने गिल्ट को एडमिट कर रहा है। समझ में आया, अब थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो रहा है, राइट। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ए को चार्ज किया गया कि उसने अपने फ्रेंड को पानी में डुबो के मार दिया है। ए वॉज चार्ज कि उसने अपने फ्रेंड को पानी में डुबो के मार दिया है। तो अब अगर ए ये कहता है कि मैं और मेरा फ्रेंड हम दोनों स्विमिंग कर रहे थे, तभी अचानक से सी वहां आया और उसने मेरे फ्रेंड को पानी में डुबो दिया, मैंने अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की पर मैं उसे बचा नहीं पाया, तो ये क्या है, ये एडमिशन है, राइट। क्यों, क्योंकि ए ये एडमिट कर रहा है कि जिस टाइम क्राइम हुआ उस समय वो वहां मौजूद था। जबकि अगर ए ये कहता कि मैंने ही अपने फ्रेंड को डुबो के मारा है, मैंने ही अपने फ्रेंड को डुबो के मार दिया, तो ये क्या हो जाता, ये कन्फेशन हो जाता। क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करके चलिए एक्स को चार्ज किया गया कि उसने वाई की डेथ कॉज करी है। अब एक्स ने ये स्टेटमेंट दी कि भैया जब मैं नदी के किनारे से गुजर रहा था तो मैंने वाई की लाश उस नदी में तैरते हुए देखी। ठीक है, एक्स ने क्या स्टेटमेंट दी कि जब मैं नदी के किनारे से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि जो वाई की लाश है, वाई की जो डेड बॉडी है वो नदी में तैर रही है। तो ये क्या है जी, ये एडमिशन है, राइट। वहीं अगर एक्स ये कहता है कि मैंने वाई का मर्डर करके उसकी लाश को नदी में फेंक दिया, तो ये क्या हो जाता, ये कन्फेशन हो जाता। क्यों, क्योंकि अब यहां एक्स क्या कर रहा है, अपने गिल्ट को एडमिट कर रहा है। ओके, इसी तरह एक और एग्जांपल ले लो आप। ए को चार्ज किया गया कि उसने चलती ट्रेन में बी का मर्डर कर दिया है जी। अब अगर ए ये स्टेट करता है किसी ट्रेन में चढ़ा और उसने बी को स्टेप करना स्टार्ट कर दिया, मैंने डिसीज को बचाने की कोशिश की पर मैं उसे बचा नहीं पाया, तो ये क्या है, ये एडमिशन है। वहीं अगर ए ये स्टेट करता है कि मैंने ही डिसीज को स्टेप किया जिससे उसकी डेथ कॉज हो गई, तो ये क्या हो जाता, ये कन्फेशन हो जाता। ये जो इलस्ट्रेशन है इन निशिकांत झा के केस के रेफरेंस में दिया हुआ है। ठीक है, तो आई गेस अब आपको एडमिशन और कन्फेशन में डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया होगा, राइट। काफी सारे एग्जांपल हमने यहां डिस्कस कर लिए और ये सारे एग्जांपल देखो बटुकलाल से ही लिए हैं मैंने, मैंने कहीं अपने आप से एग्जांपल नहीं बनाए, सबके सब बटुकलाल में ही की बने। आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक को रेफर तो करिए एक बार, आपको ये सारे एग्जांपल उसी बुक में मिल जाएंगे। खैर, समझ वाली बात है, हो जाता है कई बार, कई बार हमें जो पॉइंट है वो समझ में नहीं आता या कई बार जो हमारा माइंड है वो कहीं और ऑक्यूपाइड होता है। हम बुक तो रीड कर रहे होते हैं लेकिन जो माइंड है वो कहीं और ही चल रहा होता है, तो इन कारणों से कई दफ़े हम जो पॉइंट है वो समझ नहीं पाते। एनीवेज, अब मुझे लगता है कि आपको इन पॉइंट्स को लेकर किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा, राइट।
अच्छा, व्हाट इज द एसिड टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्फेशन एंड एडमिशन? कन्फेशन और एडमिशन में डिस्टिंग्विश करने का जो एसिड टेस्ट है, यानी जो मेन टेस्ट है या जो रूट टेस्ट है, वो क्या है? इसको हमने कन्फेशन की वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो देखो, सीधी सी बात है, जब केवल स्टेटमेंट के बेसिस पर ही, जब केवल स्टेटमेंट के ही बेस पर कन्विक्शन दे दी जाए, तो ये क्या है जी? ये कन्फेशन है। लेकिन अगर कन्विक्शन ऑथराइज करने के लिए स्टेटमेंट के अलावा कुछ सप्लीमेंट्री एविडेंसेस भी चाहिए, तो वो क्या है? वो फिर एडमिशन है। ओके, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वेयर कन्विक्शन कैन बी बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट अलोन, इट इज अ कन्फेशन, एंड वेयर सम सप्लीमेंट्री एविडेंस इज रिक्वायर्ड टू ऑथराइज कन्विक्शन, इट इज एडमिशन। ठीक है, क्लियर हुआ? इसी तरह एक और पॉइंट लिख लीजिए इसमें, इफ प्रोसिक्यूशन रिलाइज ऑन द स्टेटमेंट, इट इज अ कन्फेशन। अगर प्रोसिक्यूशन एक्यूज की स्टेटमेंट पे रिलाई कर रहा है, तो ये क्या है? ये कन्फेशन है। वेयर एज इफ ही इज नॉट रिलाइंग ऑन द स्टेटमेंट, देन इट इज एन एडमिशन। अगर प्रोसिक्यूशन एक्यूज की स्टेटमेंट पर रिलाई नहीं कर रहा, तो वो क्या है? वो एडमिशन है। ठीक है, तो दीज आर द एसिड टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्फेशन एंड एडमिशन। ये भी हमने बटुकलाल से ही लिया है, सब कुछ बटुकलाल में ही गिवन है, राइट? आप एक बार उसकी रीडिंग तो करिए सर, आपको सब वही मिल जाएगा। हम कुछ अलग से थोड़े ना ओरिजिनेट कर रहे हैं, हम कुछ नया थोड़े ना फ्रेम कर रहे हैं। जो भी कुछ बटुकलाल में या जो भी कुछ स्टैंडर्ड बुक में दिया होता है, उन्हीं को तो बस इलस्ट्रेट करते हैं, राइट? अच्छा, एक बात बताइए, क्या कन्फेशन को राइटिंग में किया जा सकता है? क्या कन्फेशन राइटिंग में किया जा सकता है? यस और नो? अरे भाई, कन्फेशन किसका पार्ट है? कन्फेशन किसका पार्ट है? एडमिशन का, राइट? और जो एडमिशन है वो कैसे कैसे किया जा सकता है? एडमिशन कैन बी मेड इन थ्री फॉर्म्स। कौन कौन से? ओरल, डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक फॉरम। तो देयरफॉर कन्फेशन कैन ऑल्सो बी मेड इन दीज थ्री फॉर्म्स। ठीक है, कन्फेशन को भी ओरली, डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में किया जा सकता है। ऑलराइट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है। और प्लीज आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा चीजों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की। स्पेशल थैंक्स टू माय गुरु नेहा सिंह, जिन्होंने ईयर 2018 में इंडियन एविडेंस एक्ट का अपना ज्ञान मेरे साथ साझा करके मुझे लेक्चर बनाने के काबिल बनाया। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। यह है मेरा QR कोड, आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखना, ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे, ये केवल सोसाइटी के लिए यूज़ किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, एक्सेट्रा। बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत।